नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आज हम 10 के दम में बात करेंगे विधान परिषद के रण की। जी हां, उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं चुनावी प्रदेश, क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरा चुनाव पहले ही शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं विधान परिषद के, जिसके बाद कह सकते हैं जो जंग है उसका ऐलान हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन कर सकते हैं। और भी नामों की चर्चा है, बीजेपी से भी तमाम नामों की चर्चा है, उस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि गणित क्या है, 13 सीटें हैं खाली हो रही हैं और जो रण है समझा जा सकता है सपा और बीजेपी में संग्राम है, जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश। इसलिए तो 9 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, 20 जून को यूपी विधान परिषद का चुनाव होना है। 9 बीजेपी और 4 सीटें जीत सकती है सपा, जीत के लिए 1 एमएलसी और को 31 वोट चाहिए होता है। और हलचले कह सकते हैं तेज है और यहां पर भी जो अंगणित है कह सकते चुनाव का जो समीकरण है उस पर पार्टियों का पूरा पूरा फोकस, पूरा पूरा जोर है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर थोड़ा सस्पेंस है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्री जिनका जाना तय विधान परिषद में। अपर्णा यादव के नाम पर चर्चा तेज है, अखिलेश का ओबीसी दलित और मुस्लिम पर पूरा पूरा दाव। सपा उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार कल नॉमिनेशन करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे क्योंकि 2022 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, जीत हासिल नहीं हुई थी और ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सदन में उनको भेजा जाना तय है। तो कहीं ना कहीं एक तोहफा समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया जा सकता है। और इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। मनोज यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका सर। रजा रिजवी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत मैं करूंगी इस वक्त चर्चा की रजा रिजवी जी आपसे, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप किस तरीके से सो देख रहे हैं, कैसे आंकलन करेंगे सर इस चुनाव का? देखिए ऐसा है कि ये चुनाव भी एमपी राज्यसभा का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि एमएलसी का जो है वो चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर। जाहिर सी बात है, एक तो बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं, इसमें विधायक लोग जो है वो टकटकी लगाए रहते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो हमारा मान और सम्मान कुछ बढ़ेगा, मान मनोबल बढ़ेगा, कैंडिडेट जो होगा वो हमसे कहेगा और पार्टी जो है वो हमसे कहेगी कि साहब हमें इसको वोट देना है, तुम्हारा 33 वोट इनके खाते में जाएगा, ये एमएससी के लिए जाएगा, ये एमपी राज्यसभा नाम अलाट किया जाता है कि, और लोग बैठते हैं, चकचकाहट रहती है पूरी विधानसभा के अंदर जब चुनाव होता है राज्यसभा का और विधान परिषद का। तो ये चुनाव ना होकर के जो गणित के हिसाब से लोग अपना पर्चा दाखिल करते हैं कि साहब हमारे जो है वो 33 एमएलए देंगे तो एक जो है एमपी राज्यसभा बन जाएगा, एक एमएलसी बन जाएगा, तो उस गणित के आधार पर लोग जो है वो पर्चा फाइल करते हैं और बिना जो है चुनाव हुए जो है अनअपोज जो है वो राज्यसभा के एमपी हो जाते हैं और उसके बाद एमएलसी भी हो जाते हैं। तो ये जो कुछ सालों से ये टर्न चला है, इस टर्न से जो नए भी एमएलए आए हैं उनको रहता था, क्योंकि यही एक रहता है जैसे आप देखिए जो छोटे चुनाव होते हैं एमएलसी वाले, वहाँ जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं उसमें बीडीसी के सदस्य और उसमें जिला पंचायत के सदस्य, उन लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि चुनाव है तो इसमें जो है हमारा जो है मान मनोबल होगा, कुछ नहीं होगा तो घर पर बुलाया जाएगा, चाय नाश्ता किया जाएगा, हाँ हाँ भाई आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, तो मतलब कुछ उनको लगता है कि हमारी सब देखा जाए तो सर खत्म होता जा रहा है प्रदेश में, अब बहुत कम हो गया है क्योंकि अब ज्यादातर हम देख रहे हैं चुनाव निर्विरोध हो रहे हैं, राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इससे सबसे ज्यादा घाटा तो एमएलए का हो रहा है और एमएलए इसी में बहुत मजा करते थे, वो जरा से खत्म हो रहा है और ये गणित अच्छा गणित बैठ पता नहीं किस तरीके से गणित बैठती है। अभी एमपी राज्यसभा का चाहते तो अखिलेश एक और खड़ा कर सकते थे, लेकिन अब आइए यहाँ जो चुनाव है इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं दबाव पे आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। जैसे सुवर्ण सिंह यादव का नाम आया करहल के जो है पूर्व विधायक का, अब वो ये दबाव में आ गए कि साहब ऐसा तो नहीं है कि साहब वो बीजेपी वाले उनको लेके चले जाएं, तो लाओ इनको एमएससी टिकट दे दिया जाए। जैसे ही मालूम हुआ कि जयंत चौधरी, अब तो जयंत बिश्नोई हो गए,
जैसे ही पता चला कि भाजपा वाले जो है उन पे डोरे डाल रहे हैं और हो सकता है कि वो उधर की तरफ चले जाएं और भाजपा से जो है वो एमपी राज्यसभा बन जाए, वैसे अखिलेश ने फौरन जो है नाम घोषित कर दिया उनका, जयंत चौधरी का। तो कहीं ना कहीं ये दबाव रहता है अखिलेश के ऊपर, और अखिलेश निर्णय अच्छा करते हैं। जैसे अभी आजमगढ़ का निर्णय जो उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक किया कि भाई घर परिवार का ही एक आदमी जाना चाहिए, तो धर्मेंद्र को अगर टिकट दिया है तो सही टिकट दिया। लेकिन अगर रामपुर का आप टिकट देख लीजिए तो रामपुर का टिकट जो है वो माना जा रहा था कि तंजील फातिमा को दिया जाएगा, लेकिन एक नया नाम असीम राजा को दे दिया। अब ये बहुत टफ है। और देखिए आप, एक बड़ी बात है, आप तो एमएलसी पर चर्चा कर रही हैं लेकिन इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। रामपुर का मामला बड़ा टफ हो गया है कि दोनों जो है एमपी का चुनाव जो लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से चाहे समाजवादी से, ठीक है सर, तो वो दोनों जो है सपा के ही पूर्व कैंडिडेट हैं। आज पर्चा जो है दाखिल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा ये गई थी कि साहब वो एमपी राज्यसभा के लिए जो है पर्चा भरेंगे सपा से, लेकिन वो नहीं हुआ। ये सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े लीडर हैं, एक अच्छे लीडर हैं और अच्छा बोलते हैं, और उनका उत्तर प्रदेश में एक मान है। आज उनका पर्चा दाखिल होगा। इमरान चौधरी को कहा जा रहा था कि आश्वासन दिया गया है, अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपको एमएलसी बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है जसमीर अंसारी की आ जाती है सीतापुर वाले की, उनको दिया जाएगा। तो अखिलेश जी अपना आंकड़ा दुरुस्त करने में लगे हुए हैं कि अच्छे तरीके से मुसलमानों को भी खुश कर दिया जाए और हमारे यादव भाइयों को खुश कर दिया जाए और ओबीसी फैक्टर से मौर्या को खुश कर दिया। ठीक है, एक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। हो सकता है इसमें कोई समाजवादी पार्टी की रणनीति हो, क्योंकि हम देख रहे हैं देरी से फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ फैसले बहुत देरी से लिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मनोज यादव जी, जरा बताइए रणनीति अपनी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का विश्लेषण है उससे इतर है। हमारे नेता ना तो दबाव में है और ना हम दबाव की राजनीति करते हैं। समाजवादियों का ये सिग्नेचर रहा है और समाजवादियों का ये नेचर भी रहा है कि समाजवादी को किसी से वहाँ से अप्रूवल नहीं लेना है, ना नागपुर से, ना दिल्ली से और ना किसी और संस्थान से, ना जगह से। समाजवादी पार्टी अपने संतुलन के हिसाब से, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से चीज़ों को साधने का काम करती है, और हमारे नेतृत्व को इतनी क्षमता है कि उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, एक अभी राज्यसभा मेंबर भेजी गई बीजेपी की तरफ से, संगीता यादव जी, पहले पूर्व में विधायक थी 17 से 22 तक, शायद उनके बारे में विश्लेषण अगर कर दिया जाता है इस टीवी डिबेट में तो बेहतर लगता मुझको। उनके पति इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, क्या जरूरत थी? शायद मेरे ख्याल से उस उनके पति का इस्तेमाल करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया है। बीजेपी अपना संतुलन बनाने की हमेशा कोशिश करती है कि किस आदमी से कैसा काम लिया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल है, ना कोई कॉरपोरेट घराना है, ना हम पूंजीपतियों के इशारे पे कोई काम करते हैं। जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है उसमें संतुलन तो आप भी साधते हैं ना, हम पॉलिटिकल आप पर आरोप लगता है परिवारवाद का। आप हमारे परिवारवाद पे सवाल उठा सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में आरोपित कर सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी को धर्म विरोधी कह सकते हैं, जिसके मन में जो आए वो कह सकता है और हम कह के सुनने की क्षमता भी रखते हैं। एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर हम वो राजनीतिक दल नहीं है कि हम किसी पत्रकार के सवाल को दबाने की कोशिश करें, उसका अधिकार है ये पूछने का, और समाजवादी पार्टी ये अधिकार अपने उत्तर के आधार पे देना पसंद करती है। अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। ठीक है सर, ये बताइए कि सुबह सपा से अरविंद राजभर को बीजेपी भेजेगी सपा, क्या ये समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तय कर रहा है जो संतुलित होगा? अभी कोई एक नाम अब तक फाइनल हुआ है, बाकी जो नाम है वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, और क्योंकि जिसका सहयोगी दल है उनको खुश रखना भी तो आपके लिए, किसी को खुश रखना और दुखी रखना नहीं है, सारा सिस्टम वोट का है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूं, अगर संतुलन आपके पास है, एक राजनीतिक दल अगर आप चला रहे हैं और आपके पास अगर संतुलन नहीं है तो निश्चित तौर पे आप डिसबैलेंस होंगे। तो ये सारा सिस्टम तो जो ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप तोहफा देने जा रहे हैं चुनाव, वो तो बड़े नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में है और बड़े नेता हैं, उनके साथ जैसी घटनाएं घटी, उनका जैसे अपमान किया, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे और इसके बाद उन्हीं बीजेपी के लोगों ने जैसे दल छोड़ा, कैसे उनके ऊपर हमला करवाया, ये किसी को भूला नहीं है। राघवेंद्र जी, आपके यहाँ क्या रणनीति है, चुनाव लड़िएगा या फिर मिलकर चलेंगे आप? जनता पार्टी की स्पष्ट रणनीति है
हम लोग समय रहते पूरे अपने प्रत्याशियों का चयन कर लेंगे। हमारे बहुत देर हो गई सर, बहुत देर हो गई। हाँ ये बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है स्वाति जी, हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिले की टीम है, तो हम लोगों का गहन मंत्रणा होती है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा हमें किसी का अप्रूवल नहीं लेना है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। उनके यहाँ एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, उनके यहाँ कोई इस प्रकार, अब मेरी बात मनोज जी इनके यहाँ कोई अप्रूवल तो लेना नहीं है। भाई अखिलेश यादव ने जो कहा वो सही है, जैसे इन्होंने अभी आजमगढ़ में अपनी टिकट घोषित की, पहले अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे तो फिर अपने भाई को लड़ाया, चचेरे भाई को, तो ये भी बात तय है, ये एक व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक अहम मतदा होती है, चाहे स्तर पे हो, संसद स्तर पे हो, विधानसभा स्तर पे हो, लोकसभा के स्तर पे हो, राज्यसभा की, उसे प्रक्रिया के तहत क्या चल रहे, बेहतर प्रत्याशी आप लोगों को मिलेंगे, और हम लोग लगभग 9 सदस्य हमारे जीत के जाने वाले, और निश्चित रूप से वो जाएंगे। आवाज को हो रही है स्वाति जी, ठीक है, उसको सर दुरुस्त कराने की कोशिश करूंगी। संदीप जी, 13 सीटों पर घमासान, आपका अपना क्या विश्लेषण कहता है सर? देखिए, मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि ये चुनाव निर्विरोध ही होंगे, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत जद्दोजहद होने वाली है, और ये 9 और जो बची सीटें हैं भाजपा और सपा के बीच में, वो कोई इलेक्शन मुझे नहीं लग रहा कि होगा, और सारे लोग जो हैं वो जो बीजेपी से सपोर्टेड हैं वो बीजेपी की लेंथ से जाएंगे, और जो सपा अपनी सपोर्ट से जिनको भेजना चाहती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे सोमवरन यादव हों, जो लोग भी हों वो सारे जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे और सपा के प्रवक्ता उसका विरोध कर रहे थे कि अगर लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, 2 मिनट के लिए अगर हम ले जाएं, तो आजमगढ़ में ऐसा क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिला आपको परिवार के अलावा कि जिसको आप खड़ा कर सकें और वहाँ से चुनाव जितवा सकें? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बीजेपी आरोप लगा रही। मुझे लगता है कि इस पर अखिलेश यादव और उनके परिवार को इस पर मंथन करना चाहिए कि परिवारवाद से अगर कांग्रेस से मुक्त हुआ है भारत, तो अगर ये परिवारवाद की समस्या सपा में बढ़ती जा रही है तो इस पर इनको भी विचार करना चाहिए। अगर ये विचार नहीं करेंगे तो इससे निकल पाना शायद फिर वही बात हो जाएगी कि आने वाले चुनाव में इनके घर से अगर कोई नहीं होता तो लड़ेगा कौन? कोई मजबूरी हो, कोई दबाव हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा भाई। धर्मेंद्र यादव जी, मुझे लगता है इस पर बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखिए, सवाल उठा, बेहतर, धन्यवाद आपका, आपने कम से कम हमसे सवाल तो पूछा और हम जवाब देने के लिए यहाँ पे आए, वो अलग बात, हम सत्ता में नहीं है। अभी सवाल बीजेपी की तरफ से आया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिंपल यादव जी को लड़ाना चाहते थे, तो बलिहारी बाबू जी के बेटे का टिकट कैसे हमने किया था? वो तो टेक्निकल पॉइंट फंस गया। टिकट हमने किया बलिहारी बाबू के बेटे का, सुनील आनंद का, और चर्चा हो रही है आदरणीय डिंपल यादव पे। यही तो सबसे बड़ी आजादी है आप लोगों के पास, आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हो, हम बेबाक आपका जवाब देंगे। रही बात धर्मेंद्र जी की या परिवार की, निश्चित तौर पे वो हमारे 3 बार के एमपी हैं, और ये अधिकार बनता है कि हम उनको चुनाव लड़ाएं, और इसमें अगर किसी को परिवार जैसी खुशबू बदबू आ रही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कारण ये, राजनाथ सिंह उनका बेटा, गोयल उनका बेटा, फला उनका बेटा, हम उस लाइन और उस लिस्ट पर भी नहीं जाना चाहते हैं। किसी के पिताजी मुख्यमंत्री थे, अब बेटा मुख्यमंत्री बन गया, ये सारी बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर इस पे जाएंगे तो मुद्दों से हम भटक जाएंगे। मैं सीधा और सिंपल सवाल पूछता हूं कि बीजेपी आयातित लोगों को तो जबरदस्त भेज रही है अपनी पार्टी से, जिनके वर्कर, मैं नाम लेके कोट करके कह रहा हूं, मेरे साथ 5-6 साल से डिबेट कर रहे हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया बीजेपी में, उनको कब भेजोगे? इसी तरह लक्ष्मी वाजपेयी जी के लिए हम लोग लड़ते चले आए कि कब बीजेपी अपने वर्कर्स पे ध्यान दे, उन वर्कर, अरे 7 साल बीत गए, 7 साल बीत गए उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते, विपक्ष को एक नहीं कोई, मैं एक, मतलब आप लोगों ने लड़ाई इसलिए लड़ी, बीजेपी अपने जो वर्कर हैं, जो बड़े लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, सवाल ही नहीं बनना चाहिए सभी पार्टियों में, तो ये सवाल ही नहीं बनना चाहिए, वही कह रहे सभी पार्टियों में, तब ये बात का सवाल क्या बनता है कि समाजवादी पार्टी ने कौन सा संतुलन बनाया? और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कोई हम पे लाख सवाल पूछ ले, इस पूरे पैनल में अभी तक एक सवाल नहीं हुआ कि बीजेपी ने इनको क्यों नहीं भेजा और उनको क्यों भेज दिया। मैंने संगीता यादव को नाम लेके कहा, कम से कम पूछना चाहिए ना, सबसे बड़ा जो सवाल है वो सरकार से होना चाहिए। ये प्रैक्टिस हो गई जिस दिन, उस दिन सारा सिस्टम लगभग लगभग सही दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, राघवेंद्र जी, ये
जी स्वाति जी, आप बताइए क्या प्रश्न। सवाल इनका इनका जो सवाल है वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ से भेजे गए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए और सरकार ही बेबाकी से उसका जवाब दे सकती है। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष है। हमारे यहाँ जैसे इन्होंने ये आरोप लगाया राजनाथ सिंह के लड़के या निकाने सिंह के लड़के डिक्कर सिंह के लड़के, ये बात सही है, उनका लड़का होना कोई अपराध नहीं है। बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके लड़कों ने कार्यकर्ता का जीवन जिया, कार्यकर्ता के रूप में काम किया, बाद में विधानसभा का चुनाव लड़ा, मंत्री भी हुए। ये कोई देखिए किसी नेता का पुत्र होना ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन नेता का ही पुत्र जैसे अखिलेश यादव ही अपवाद है उसके। मुलायम सिंह के बाद क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री लायक थे? उन्होंने समाज में कितना काम किया था? क्या शिवपाल यादव को वो कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए थी? बेहतर तो वो चयन शिवपाल यादव का था। नोएडा से दूसरा कार्यकर्ता नहीं लड़ सकता था चुनाव? नोएडा से बीजेपी का दूसरा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता था? इस पे भी तो सवाल जवाब होना चाहिए। पूरे देश क्या नोएडा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? आखिर चंदौली से क्यों नहीं लड़ गए वो चुनाव और उन्हीं को ही टिकट क्यों? आखिर राजनाथ सिंह के बेटे को ही टिकट क्यों? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, आखिर राजनाथ सिंह के बेटे को ही टिकट क्यों? वर्मा जी के बेटे को ही टिकट क्यों? क्या उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए? आप अगर इस तरह का सवाल जवाब करेंगे टीवी चैनल पे तो मैं निश्चित तौर पे यही जवाब दूंगा। और एक नहीं है, 1000 ऐसे भाजपा के अंदर नेता मिलेंगे जिनके बच्चे कर रहे हैं। क्यों 1000 कार्यकर्ताओं का आप नहीं कर रहे हो? मनोज जी जवाब दीजिए ना। नहीं मैं जवाब नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह के बेटे ही क्यों होते, ये आप तय करोगे? ये समाजवादी पार्टी का पहले वोट तय करेगा? ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तय करेगा? इस पर बहस रहेगा? सवाल उठाने का नहीं है, इस पर बहस भी नहीं है। सही बात है, इस पर बहस भी नहीं है सर। ये तो अपनी आंतरिक रणनीति होती है कि किस चेहरे को हमें वरीयता देनी है, किस चेहरे को नहीं देनी है। आपकी अपनी सोच, हमारी अपनी सोच, हमें इस पर जाना ही नहीं है। ये बताइए सर राघवेंद्र जी कि 5 ऐसे मंत्री हैं आपके यहाँ जो किसी भी सदन में नहीं है, यानी कि इनको भेजा जाना तो तय है? निश्चित रूप से भाई, ये संगठन का काम है, ये उचित फोरम पर चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से किनको भेजा जाना है किनको नहीं भेजा जाना वो तय हो रहा है। हमारे यहाँ 2 पार्लियामेंट्री बहुत मजबूत पार्लियामेंट्री बोल रहे हैं, दोनों में चर्चा होगी, समस्त कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है, जिला स्तर पे नाम आते हैं, तो इस प्रकार के हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है, तो उसको पूरी प्रक्रिया के बाद समय रहते चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी जी राघवेंद्र जी, एक सवाल ये पूछा था आपने, मैंने आपसे कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं या फिर जो निर्विरोध वाली बात है वो सामने आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो क्रॉस वोटिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में विधायकों को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत दाव पेज होते हैं। सही सही कह रहे हैं स्वाति जी, हमें लग रहा है चुनाव वाली स्थिति आएगी नहीं। जी इस हिसाब से 9 प्रत्याशी हमारे जीत के जाने वाले हैं और जहां तक जानकारी आ रही है 9 लोगों का ही चयन किया जाएगा, तो हमें लग रहा है कि वो चुनाव वाली स्थिति नहीं आएगी। अगर चुनाव वाली स्थिति भी आएगी तो उसको ड्रेस किया जाएगा। ठीक है रजा रिजवी जी, 5 ऐसे मंत्री हैं बीजेपी के जो किसी भी सदन में सदस्य नहीं है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनका भेजा जाना तो तय है? ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि भेजा जाना बिल्कुल तय है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 3 MLC की जगह और जल्दी आने वाली है, तो हमें लगता है वो नाम कौन हो सकते? तो हमें लगता है कि अभी ये 3 लोग नहीं जाएंगे, जो है हमें लगता है कि 5 नहीं जाएंगे, हमें लगता है कि 3 जाएंगे और 2 नहीं जाएंगे, और उनका नाम भी खोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि सब जानने वाले लोग हैं, वो कहेंगे आपने चैनल पे मेरा नाम कर दिया, मेरा नाम तो जा ही रहा था 5 में, सब ये चर्चा चल रही थी और आपने ये नाम खोल दिया। नहीं कुछ तो होगा ना मन में आपके आइडिया? नहीं क्यों नहीं, ऐसा है ये बिल्कुल है, लेकिन ऐसा है कि इनके पास अभी बहुत से ऐसे MLC के लोग हैं जिनको देना है भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने काम भी किया है, उनके काम ऐसे हैं कि उनको समायोजित करना ही करना है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी अगर जो है वो गोविंद जी को, चौधरी जी को लाती है, राम गोविंद चौधरी जी को, तो वो आप देखिए कि विपक्ष के नेता भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने 5 जो है वो प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से बहुत अच्छा जो है वो सदन चलाया है, तो अगर उनको फाउंडर सदस्य भी रहे अगर उनको समाजवादी पार्टी जो है उनको, वो बहुत अच्छे नेता हैं, तबियत खराब हो गई थी उनकी अलग, ठीक है ऊपर वाला उनकी जिंदगी जो है हजरत नूह के इतनी करे, सेहत याब रहे वो, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उनको MLC बनाती है तो परिषद में एक
अहमद हसन के ऐसा ही लीडर जानकार, अच्छा जानकार उनको मिल जाएगा परिषद के अंदर, तो इसलिए राम गोविंद चौधरी को जरूर भेजना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि चर्चा तो पहले चली थी, लेकिन अब किस गणित पे और किस आधार पे चलती है। असल में होता यह है कि अखिलेश जी को डरवा लेते हैं लोग। अब जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, अब वो बिल्कुल तने हुए हैं कि अरविंद राजभर को मैंने कहा था भेजने के लिए, वो नहीं भेज रहे हैं। तो अब वो के भी कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अखिलेश जी जो है वो भी हो जाते हैं, वो बहुत प्रकाश ओम प्रकाश राजभर ने अभी कहा भी एक दिन पहले भी, जब सदन चलने से पहले आपने देखा आपके चैनल में कि भाई अखिलेश जी को जो है एसी से निकलना चाहिए। अरे ये कहने की क्या जरूरत है भाई, एक राष्ट्रीय नेता है, देश का माना जाना नेता है, जमीनी हकीकत पे काम करता है, आप उसको सुझाव देंगे? आप 10 MLA 11 MLA या 7 MLA लेकर के आप जिसके पास 111 MLA उसको आप सुझाव देंगे राज्य नहीं साहब एसी से निकलना चाहिए? वो एक सर्वमान्य लीडर है अखिलेश, ऐसा नहीं है कि अखिलेश को पूरा देश और प्रदेश नहीं मानता है, वो लीडर है और लीडर हैं और सर्वमान्य है, सब मानते हैं उनको। तो अब वो भी हल्के से नाराजगी पे चल रहे हैं कि हमारे बेटे अरविंद राजभर को नहीं दिया, तो ये नाराजगी अब हमें लगता है ये दबाव अब अखिलेश पर नहीं चल पाएगा। और हमें लगता है ओम प्रकाश राजभर जो दबाव की राजनीति करते हैं, उस दबाव की राजनीति से अब अखिलेश धीमे धीमे अपने को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ कोशिशें लगातार अखिलेश यादव की तरफ से चल रही हैं कि जो छवि है वो कहीं ना कहीं उस छवि को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करें, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है मनोज जी, इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए स्वाति जी, वह मैं कहता हूँ ना कि बड़ी कमानदितियाँ डिबेट्स में चलती हैं और सपा के खिलाफ तो बहुत ज़बरदस्त, ना तो राजभर जी से किसी तरीके का कोई मनमुटाव है ना राजभर जी ने। अगर राजभर जी ने एक सुझाव दिया, एक बात रखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निकलना चाहिए, तो इसमें किसी तरीका का समाजवादी पार्टी और नेतृत्व इस बात को अदरवाइज नहीं लेता है, क्योंकि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और रही बात जो बार बार डिबेट में ये बात आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि अखिलेश जी दबाव की राजनीति करते हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता। कोई दबाव नहीं है, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, ये समायोजन है, सामंजस्य है। अगर समाजवादी पार्टी अपने घटक दलों के साथ समायोजन करती है, सामंजस्य बैठाती है और हम उनको देते हैं, अभी 24 से पहले भी हमें भेजना है परिषद में और राज्यसभा के लिए, 26 में भी भेजना है। सर संदेश तो देना है ना आपको, निश्चित तौर पे संदेश भी देना है। और एक बात बता दें, समाजवादी पार्टी का जो नेचर और सिग्नेचर की बात मैंने की थी, चाहे वो 2017 के चुनाव में गठबंधन कांग्रेस से हो, चाहे 2019 के चुनाव में गठबंधन बसपा से हो, हमने बड़े दिल के साथ राजनीति की। हमने वो सीटें दी बसपा को भी और कांग्रेस को भी उतनी सीटें दी जितनी शायद कोई गठबंधन में इस तरह के फैसले नहीं लेगा। हमने हर उस टाइम पे, अभी गठबंधन हमारे हुए, हमने चाहे वो आरएलडी हो, हमने देखा कि अब चाहे चुनाव की सटी के बात कर ले, बहुत एन वक्त पर आपने फैसले लिए, पहले कुछ एक नाम सामने आते थे, फिर अचानक बदलाव होता हो जाता है। तो बात से मैं सहमत हूँ, सुनील आनंद की ही बात कर ले, पहले ये सुन रहे थे कि हम सुनील आनंद जी को लड़वाएंगे, क्लियर था उनका टिकट, क्लियर था वो टेक्निकल पॉइंट, कोई चेंजेस नहीं है। उनका नाम दो जगह, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति, उनका सदर सीट पे भी नाम था और उनकी जो विधानसभा वहाँ भी नाम था, और उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, ऑनलाइन भी किया था कि हमारा नाम, सुना था उनके नाम का पर्चा भी खरीद लिया था बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हमारा दो विधानसभाओं में नाम है और अगर नहीं हटा तो टेक्निकल तौर पे आपका पर्चा रद्द हो जाएगा और चुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव से ही बाहर हो जाएगी, इसलिए उनका पर्चा कटा। और जो नाम चल रहा है आज, देखिए आपने अपनी स्क्रीन पे चलाया कि उनको MLC भी भेजा जा सकता है, तो ये समाजवादी पार्टी कोई र्यूमर फैलाने के लिए, किसी बात को राजनीति करने के लिए नहीं करती है। समाजवादी पार्टी वो करती है जो उसके दिल में है, जो समाजवादी पार्टी के हित में है, जो वहाँ के नेताओं की, हमारे तमाम वर्चस्व जो सर्वोच्च नेता हैं, जो उनकी बात है, उन सारी बातों को ध्यान में रखे समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। हम कोई सुतली बम नहीं फोड़ते कि यहाँ आग लगा दे और दगेगा वहां जाके, ये सब हमें नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम चल रहा है, नॉमिनेशन आज करवाएंगे, उनके ट्वीट के इनको भेजने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बहुत मजबूती के साथ। देखिए ये एक बड़ी छोटी बात आपने कह दी, ये छोटी बात स्वाति जी कही। देखिए समाजवादी पार्टी का जो इतिहास आप खंगालेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बड़े नेताओं को, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया राजनीति को, उनको भेजने दल में और गैर दल में भी, गैर दल में कई लीडरान हैं, कांग्रेस के कई लीडरान हैं जिनको समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा और विधान परिषद भेजा गया है।
कोई एक नहीं है, एक आध हो तो अलग बात कही जाती, दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ये हमेशा मानती है कि जो लीडरान हैं उनको सदन में होना चाहिए। हम वो राजनीतिक दल नहीं है, हम वो राजनीतिक दल नहीं है। एक सेकंड स्वाति जी, लास्ट लाइन कर दूं, हम वो राजनीतिक दल नहीं है कि हम बड़े लीडरान के खिलाफ ऐसा लड़ाई कर दें कि उनको सदन में जाने से रोके, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं। ठीक है, रजा रिजवी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन संदीप श्रीवास्तव जी को पहले मैं लूंगी। संदीप श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि लॉटरी किसकी लगेगी इस बार? देखिए, लॉटरी स्पष्ट है जिन नामों की, जैसे रजा साहब कह रहे थे कि हो सकता है कैबिनेट के कुछ लोगों को अभी ना भेजा जाए इसमें पहले विधान परिषद चुनाव में, तो अगर ये बाद में मान लीजिए भेजते हैं तो बीजेपी के पास तो वो नंबर है कि वो जब चाहे जिसको चाहे जहां भेज सकते हैं। लेकिन जो बात सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने बड़े दिल से बहुत से लोगों को भेजा है, तो इसमें एक बात मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतनी पावर थी तो इन्होंने राज्यसभा के चार सदस्यों की जो सीट थी उसमें आखिर तीन ही लोगों को क्यों भेजा, और कपिल सिब्बल को इनको क्यों हायर करना पड़ा, क्यों सपोर्ट करना पड़ा, इसका जवाब भी मनोज जी देंगे शायद, मुझे लगता है। तो ये बड़ी विडंबना है कि आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को इधर से उधर और उधर से इधर करना चाहते हैं, तो इससे तो देश की राजनीति नहीं चलेगी ना। अगर आपके पास स्पष्ट मत था, स्पष्ट वक्ता थे, तो आपको स्पष्ट नाम कहने चाहिए थे कि इन लोगों को हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं, राज्यसभा भेजेंगे। शिवपाल जी पे जो बात राजा जी कह रहे थे कि आखिर, अरे योगेंद्र जी जो कह रहे थे कि आखिर उनका नाम क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री के लिए जब गवर्नमेंट सपा की यहाँ बनी थी, तो ये ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मामला है कि आखिर विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी और सपा कैसे, सवाल उठाऊंगा जी कि योगी जी मुख्यमंत्री क्यों बने, मौर्य क्यों नहीं बने, योगी जी ही क्यों बने, वाजपेयी जी क्यों नहीं बने। मैं सवाल उठाऊंगा कि अमुक आदमी का हक था, उस आदमी को क्यों नहीं बनाया गया। ये नहीं, बातें बड़ी बड़ी नहीं, हल्की बातें मनोज जी, वो उनका अपना नहीं, वो तो उनका अपना चयन प्रक्रिया होती है उनके, प्रक्रिया प्रक्रिया हमारी प्रक्रिया ढोल बजा रहे, गजब बात है भाई। मुलायम सिंह के लड़के के अलावा परिवार के आगे वहीं पे घूम करके वहीं पे आके केंद्र हो जाते हो। इसको मैं हिंदी भाषा में और राजनीति की भाषा में बुद्धि का संकुचन कहता हूँ। आपकी बुद्धि का संकुचन है, राजनीतिक बौद्धिकता जो होनी चाहिए वो बड़ी कम है, बहुत हल्की है। वही घूम के चले आए भाई। आप कह रहे हैं कि बौद्धिक संकुचन है बीजेपी में, अगर बीजेपी में बौद्धिक संकुचन है, मैं कहता हूं बैकवर्ड मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया आपने, और तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड कल मिला, दलित क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश में, मिला तो उन्हीं का सबसे ज्यादा वोट, आप नहीं दिए, क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव पे आ गए, मैं कह रहा हूँ आप पिछड़े प्रधानमंत्री दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं आया? अरे बनावटी ही आप लोग इस चर्चा में क्यों चले गए कि कौन है, अब तो जो है वो है, अब तो तस्वीर क्लियर हो गई है, पार्टी में तस्वीर स्पष्ट हो गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि आखिर मैं सीधे कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी क्यों नहीं बन गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी बनना चाहिए था, लंबा समय से उन्होंने बीजेपी का दिया, क्यों बनाया था मुख्तार अब्बास को बना? देखिए आप उन पर सवाल उठाइए, आप उन पर सवाल उठाइए, उठाइए सवाल, ये आप लोगों का अधिकार है। एड के स्तर को जानता हूँ, बीजेपी किस स्तर पर बड़ी होना चाहिए, मैं जवाब ऐसे ही दूंगा। क्या हुआ? ठीक है, जिसका जो सुन लीजिए मेरी बात, नहीं जाओगे जिस स्तर पर ले जाना है ले जाइए। अरे आप तो अपने स्तर को कायम रखिए, वो भी अपने स्तर को कायम रखिए, खन्ना साहब की मर्यादा को रखिए कायम, दिनेश शर्मा साहब को मुख्यमंत्री बना देते। अरे ये तो फिर वही चीज है, आपने ये गलत है, क्यों मनाया? कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई, क्यों पार्टी टूट जाती भाई? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन? आप जितने नाम के सब लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। नहीं, हम भी बन सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम हिंदुस्तान के तो है नहीं। अरे नहीं, आप लोग बेवजह की बातों को तोड़ दे रहे हैं, आप लोग बेवजह की बातों को तोड़ दे रहे हैं। परिषद, मैं तो सुन लीजिए, मैं किस पर डिबेट करना चाहती हूँ, ठीक है, उस पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। मैं एक सिंपल, आप लोगों से क्लियर है, एक लाइन में क्लियर, एक लाइन बोलिए। आखिर ये बताए बीजेपी के लोग कि दिनेश शर्मा बाई बर्थ बीजेपी में थे या ब्रजेश पाठक बाई बर्थ बीजेपी में थे, इतना बता दो बस, कौन था बाई बर्थ? वो तो बसपा से आए थे, उनको हटा के आपने बना दिया,
क्यों हटा के बना दिया, ये भी तो सवाल है। सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र है आप, ठीक है, छोटे से ब्रेक मुझे लेना होगा, आपकी सुचिता है, छोटे से ब्रेक मुझे लेना होगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए सर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अरे सर सुन लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं थे समाजवादी पार्टी के, तो बात छोड़, ठीक है ब्रेक के बाद अपनी बात पूरी रखिएगा, ठीक है ब्रेक ले लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।